मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इस शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर आज एक मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। वहीं इस मैराथन दौड़ में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे महा आर्यमन के साथ दौड़ लगाते दिखाई दिए। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की आज जयंती है। इस मौके पर ग्वालियर चंबल संभाग में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को एक मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। ये मैराथन दौड़ मेला ग्राउंड से शुरू हुई और शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई MLB ग्राउंड पर समाप्त हो गई। इस दौरान देश भर से आए धावकों ने लगभग 13 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौड़ में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे महा आर्यमन सिंधिया के साथ दौड़ लगाते हुए नजर आए। वहीं पिता और पुत्र दोनों ने ही मैराथन पूरी की। इससे पहले केंद्रीय मंत्री सिंधिया और विशिष्ट अतिथि महिमा चौधरी सहित मंच पर मौजूद अतिथियों ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन के दौरान अभिनेत्री महिमा चौधरी खुली जीप से सवार होकर चली और धावकों को प्रोत्साहित कर रही थी। मैराथन के दौरान धावकों का लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए महिमा चौधरी मैराथन को लेकर काफी उत्साहित नजर आई। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये परंपरा आगे भी जारी रखी जाएगी। मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, महिमा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी दूर से आई और यही ग्वालियर की आन बान और शान है कि हम लोग एक साथ मिलकर हर प्रतियोगिता में हर कार्यक्रम में हम लोग जूझते हैं और मेरी यही आशा अभिलाषा है कि अगले बार आप लोग भी हमारे साथ ऐसे ही दौड़ेंगे। आप में से एक दो तो मेरे साथ चल ही रहे थे पर बहुत मज़ा आया और प्रदुम सिंह जी और उनकी पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेरे पूज्य पिताजी के स्मृति में ये मैराथन आयोजित किया गया था 2001 में। ऐसा ही कार्यक्रम हम लोग आयोजित करने वाले थे जब वो दुखद घटना घटी, पर उसके बाद हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा मैराथन आयोजन करने के लिए उनके स्मृति में। और हमारी यही कोशिश है कि ग्वालियर से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धावक हम लोग नवीन सोच और विचारधारा के साथ पैदा करें। ये जो लीडर हैं दोनों बहुत इंस्पायरिंग है। इन्होंने रेस में पूरा भाग लिया और कंप्लीट किया। अरे भाई इन्होंने क्या हमारे शेर वेरी इंप्रेस्ड और बहुत अच्छा टर्नआउट था। पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हिस्सा लेने के लिए। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती है। शाम को छत्री प्रांगण में पुष्पांजलि और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इन आयोजनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित प्रदेश के मंत्री और शहर के गणमान्य नागरिक सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मैंने जैसे कहा एक युवा मैं युवा होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी पूरी युवा पीढ़ी हमारे साथ दौड़ी। आज काफ़ी लोग आए आज सुबह और मैं चाहता हूँ कि हर साल ऐसे हो और एकता का एक मुझे महसूस मिला और हर साल मैं सबके साथ दौड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।